गाइस मैं हूं आपकी अपनी रेशम देसी व्लॉग। आप देख रहे हैं रेशम यूट्यूब चैनल। तो गाइस उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस ये देखिए आज मतलब तो बच्चों को लेके आई हूं, हमारी लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना नदी के किनारे चलते हैं और अब नहर के किनारे आए हूं मैं। यहाँ पर हम मतलब के बड़े इंजॉय कर रहे हैं और मतलब के बहुत ठंडा ठंडा पानी है। तो अभी मैं यहाँ पे दे बैठ के अपने भी मतलब के पाँव वगैरह भिगो रही थी, इसमें बहुत सुकून हो रहा है। और अभी मैं सारे बच्चों के पाँव वगैरह धोने लगी थी तो मैंने सोचा साथ साथ दोस्तों को बताते हैं कि देखो हम नहर में आए हुए हैं तो चले आए गाइस। ये देखिए मैं यहाँ पर ना ये इतनी इतनी बन्नी सी धो रही हूँ। मैंने कहा जहाँ पर मैं बैठूँगी और मतलब के बच्चे बैठेंगे तो आराम से हम अपने हाथ पाँव धोले तो चले गाइस। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे वो ना खुरदरी खुरदरी सी जगह है, जैसे वो नहीं होता जैसे वो हम घर में जावा मारते हैं वैसी मतलब कि ना यहाँ पे खुरदरी सी जगह है जिसपे मतलब कि मैं अपनी एड़ियाँ रगड़ रही हूँ और बहुत खूबसूरत हो गई है। ये देखो कितने पाँव वगैरह धो लिए। इधर आओ चलो बैठो इधर पाँव धोए। बैठो बैठो पाँव धो, छोटे हो तुम, जूता तो उतारो। चलो अच्छे से पाँव धो, इधर रखो। ये मेरा बेटा ना वेल्डिंग का काम करता है तो इसलिए मतलब ना उसके हाथ पाँव 24 घंटे होते हैं ना, वो पेंट सा लगा रहता है और उसकी वजह से गंदे रहते हैं। दूसरा पाँव भी करो, एड़ी रगड़ो यहाँ पे जैसे मैंने रगड़ी है। चलो पाँव रगड़ो अच्छे से। सारा पेड़ लगा था, छोटे हो तुम, खुद नहीं धोते घर में अच्छे से, कितने गंदे हो पड़े हैं पाँव। ये देखो दूसरी वाली साइड भी करो। चलो एड़ी रगड़ो यहाँ पे जैसे मैं रगड़ू। तो गाइज ये देखिए मैंने अपने भी पाँव अच्छे से धो लिए हैं और मतलब कि अपने बेटे के भी अच्छे से पाँव धो लिए हैं। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई।